अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आई एम वेरी अपोलोजेटिक कि भाई मैंने इतने दिनों से कोई अपडेट नहीं दी, क्योंकि भाई कोई चीज़ ही नहीं थी और कोई सीन ही नहीं बन रहा था। और मेरे यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट हो गई है, और आपका भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट फेब तक ग्रेजुएट भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी मैं थोड़ा उसमें भी बिजी हूँ, और ऐसी कोई चीज़ थी नहीं जो मैं आपको बताऊं। आज भी मैं मेरे ख्याल से 1.5 महीने के बाद आया हूं मामू के ज़मीन पे, मामू ने बोला तो इस वजह से निकले। चलो आज मैं आपको दिखाता हूं कि मामू की बन्नी का हाल क्या है। इतनी बारिशों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बच तो गई है, फिर भी दिखा देते हैं आपको। तो भाई ये हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हुआ तो नहीं, पर फिर भी बारिशों ने भाई बड़ा हालत ख़राब कर दी है इनकी। ये ऑलमोस्ट सूख ही गए, और अपना ऐसे तो निकाल दिया था सब कुछ, पर फिर भी हल्की फुल्की जो लाश की बची हुई थी वो अब बस यही बचे हुए हैं। अभी यही हालत हुई पड़ी है इनकी। जब मेरे दिमाग में थोड़ी सी एक चीज़ चल रही है कि क्या मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊं, जैसे मतलब एक 1.5 मिनट की या सिर्फ 60 मिनट की, जिसमें बस एक दो बातें करूं और या किसी टॉपिक पे बात करूं। वैसे करनी तो चाहिए टॉपिक पे बात, पर मैं वैसे कैजुअली बोल रहा हूँ कि भाई क्या आपको चाहिए कि अगर मतलब मैं किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करूँ, जैसे अभी कल की मैच पे कुछ बोलूं, या किसी ऐसे पॉलिटिकल टॉपिक। मैं अच्छा हूँ वैसे, मैं बता दे रहा हूँ, मैं न्यूज़ में बहुत रहता हूँ, न्यूज़ में मतलब न्यूज़ की अपडेट बहुत रखता हूँ, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं भाई। अब मैं सोच रहा हूँ कि बंद करूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गया इतने दिनों के बाद चल रहा हूँ। वैसे मैं इतना नहीं चलता, तो अभी मेरी थोड़ी सी सांस फूल गई है। और आपको दिखाऊंगा पूरा रास्ता कितना दूर पड़ता है। ये तकरीबन चौधगी के पास है, चौधगी से भी आगे है, शहदादपुर रोड पे मेरी मामू की ज़मीन है, अच्छी खासी बड़ी ज़मीन है। अभी तो खैर वो थोड़ा सा बारिशों की वजह से ख़राब हुई पड़ी है, पर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब ये अभी दूसरी फसल लगेगी तब मैं आऊँगा, तो दिखाऊँगा कितनी हरी भरी और मतलब अच्छी लग रही होती है। इंशाल्लाह मैं किसी टाइम सुबह के टाइम भी आऊँगा, फजर के टाइम, फिर दिखाऊँगा कि फजर के टाइम का क्या सीन होता है। तो भाई आज के लिए इतना बहुत है, मैं बहुत थक गया। चला तो वैसे मैं थोड़ा हूँ, पर फिर भी मेरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है मौसम की वजह से, और यहाँ पर बहुत सारी डस्ट भी है, तो मैं थोड़ा सा एलर्जिक हूँ। तो मैं आपको दिखाऊँगा पूरा रास्ता कितना दूर है ये घर मेरा और मेरी ज़मीन, अब वो एंजॉय करना बिना आवाज़ के। तो मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग सपोर्ट दिखाएं थोड़ी, और इंशाल्लाह मैं रेगुलर डालूँ, पर मसला ये है कि मेरे पास कोई कंटेंट है नहीं, और मैं इतना लेज़ी हूँ कहीं जा भी नहीं पा रहा। और यूनिवर्सिटी सुबह को जाओ, 4 बजे घर आओ, और कोई ऐसा सीन ही नहीं होता, 4 बजे आके खाना खा के सो जाते हैं। मैं तो खुद भी तंग हुआ पड़ा हूँ इस वजह से। तो आप सजेस्ट करें कि आपको मतलब कोई सी ऐसी चीज़ जो आपको चाहिए, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ आपके लिए। और क्या, ट्राई करना मेरा काम है, आप मेरे को बोलें और मैं ट्राई करता हूँ।